नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्लेनेट पांडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 19 अगस्त से 25 अगस्त के साप्ताहिक राशिफल की और शुरुआत करेंगे सबसे पहले मेष राशि के साथ। देखिए, मेष राशि वालों के लिए ये सप्ताह काफी बेहतर है, हालांकि स्वास्थ्य पर अभी भी ध्यान बनाए रखना होगा, लेकिन तनाव कम होगा, करियर की स्थिति बेहतर होगी और धन की प्राप्ति भी अच्छी हो सकेगी। स्वास्थ्य के अलावा इस सप्ताह में व्यर्थ की दौड़ भाग हो सकती है, तो अगर बहुत जरूरत ना हो तो फिजूल में अपना समय नष्ट ना करें। धन और करियर का मामला आपके लिए बेहतर बना रहेगा। इस पूरे सप्ताह में सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। वृषभ राशि, लगातार समय बेहतर हो रहा है और ये सप्ताह भी आपके लिए करियर, पैसा और मानसिक स्थिति, इनके मामले में अच्छे संकेत जरूर दे रहा है। अपने सारे महत्वपूर्ण काम इस समय निपटाने का प्रयास करिए और आगे बढ़कर के कोशिश करिए। थोड़ा बहुत रिस्क भी अगर लेंगे तो कोई हर्ज नहीं है। इस समय पैसों की फिजूल खर्ची पर थोड़ा ध्यान दीजिए और बेवजह दूसरों के चक्कर में अपना समय और पैसा बर्बाद मत करिए। सप्ताह के अंत में वाहन चलाने में सावधानी रखिएगा। पूरे सप्ताह भगवान शिव की पूजा करें, आपको लाभ होगा। मिथुन राशि, सप्ताह का पहला दिन तो तनाव दिखा रहा है, लेकिन बाकी पूरा सप्ताह बहुत ही अच्छा है। परिवार में मंगल कार्य होने की संभावना, किसी धार्मिक स्थान की यात्रा, धन की प्राप्ति, मान सम्मान बढ़ना, ये सब अच्छे संकेत इस सप्ताह में आपके लिए दिख रहे हैं। स्वास्थ्य में अगर कोई भी समस्या है तो उसको लेके बहुत तनाव मत पालिए, आने वाले समय में आपका स्वास्थ्य बेहतर होता चला जाएगा। इस समय अपने बड़े भाई से, अपने पिता से अगर आप सलाह लेकर के चलें तो आपको लाभ होगा। पूरे सप्ताह हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको लाभ अवश्य होगा। कर्क राशि, सप्ताह का शुरुआती समय अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है और बेवजह की चिंताएं भी आपके लिए दिखाई दे रही हैं। सप्ताह के मध्य तक हर मामले में शांति बनाए रखिएगा। सप्ताह के मध्य के बाद से आपकी स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। इस समय लिखा पढ़ी के मामले में, पैसे के लेन देन के मामले में थोड़ा सतर्क रहना जरूरी है। प्रेम संबंध और रिश्तों के मामले में भी सावधानी रखिए, क्योंकि वहां से दिक्कत हो सकती है। हालांकि किसी बड़े बुजुर्ग की, किसी मित्र की सलाह से आपको लाभ भी थोड़ा बहुत होता दिख रहा है। इस पूरे सप्ताह शनि मंत्र का जप करें तो आपको लाभ होगा। सिंह राशि, परिश्रम बहुत करना होगा इस सप्ताह में आपको, लेकिन हर मेहनत का फल आपको प्राप्त होगा। धन लाभ के योग भी बन रहे हैं, संपत्ति का फायदा भी हो सकता है, रुके हुए पैसे भी आपको मिल सकते हैं। थोड़ा सा इस सप्ताह में डाइजेशन का ध्यान रखिएगा, अपने वाणी और स्वभाव पर नियंत्रण बनाए रखिएगा। इस सप्ताह में आपके लिए लाभकारी यात्रा की संभावना भी बन रही है। इस पूरे सप्ताह सूर्य देव की उपासना करें तो आपको लाभ होगा।
कन्या राशि, सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छे संकेत दे रहा है। आपका तनाव, आपकी चिंता कम होगी, धन की स्थिति बेहतर होगी, करियर का प्रेशर कम होगा और कोई बहुत समय से रुका हुआ काम आपका बन सकता है अगर आप प्रयास करेंगे तो। जो लोग ब्लड प्रेशर के या पेट के मरीज हैं वो इस सप्ताह में ज्यादा ध्यान रखेंगे और त्योहारों के मौसम में ज्यादा मिठाई मत खाइएगा वरना बीमार पड़ सकते हैं। सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है, अपने महत्वपूर्ण काम निपटा लीजिए। इस पूरे सप्ताह हनुमान जी की पूजा करें तो आपको लाभ जरूर होगा। तुला राशि, सप्ताह की शुरुआत में स्वास्थ्य का बहुत ध्यान दीजिए, अचानक आपकी सेहत बिगड़ सकती है, सतर्क रहिए। इस सप्ताह में धन की स्थिति बहुत अच्छी है, करियर का मामला बहुत अच्छा है, करियर में कोई मनचाहा परिवर्तन भी इस समय आपका हो सकता है और संतान को लेके, वैवाहिक जीवन को लेके जो मुश्किलें थी वो इस सप्ताह में आपकी दूर हो जानी चाहिए। अगर कोई वाहन खरीदना चाहते हैं या कोई महत्वपूर्ण खरीदारी करना चाहते हैं तो इस सप्ताह में आप कर पाएंगे, स्थिति बेहतर बनी रहेगी। पूरे सप्ताह भगवान गणेश की अगर आप पूजा करें तो आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य को लेके अभी भी सतर्कता बनाए रखिए और ऑफिस में किसी तरह के झगड़े विवाद से बचिएगा वरना नौकरी पर दिक्कत आएगी। नौकरी में काम मत टालिए और महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझकर सावधानी के साथ लीजिएगा। सप्ताह के मध्य के बाद से आपकी स्थितियां ठीक हैं, वहां से आपके धन की और आपके मन की स्थिति बेहतर होगी और सप्ताह के अंत तक जाते जाते आपका तनाव दूर हो जाएगा, आपकी मुश्किलें समाप्त हो जाएंगी। इस सप्ताह किसी पुराने मित्र से मिलने के योग हैं, कोई पुराना रिश्ता दोबारा से जीवित हो जाए इसकी संभावना भी बन रही है। पूरे सप्ताह भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। धनु राशि, सप्ताह आपके लिए अच्छा है और खास तौर से काम का प्रेशर, काम का तनाव दबाव इस सप्ताह में कम होगा, आराम की मुद्रा में रहेंगे। यात्रा पर जाने के संकेत दिख रहे हैं और यात्रा आपके लिए लाभकारी रहेगी। आने वाले समय में करियर में जो बड़ा बदलाव हो रहा है उसकी शुरुआत इस समय से हो सकती है। इस सप्ताह में वाहन चलाने में सावधानी रखें और परिवार के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें क्योंकि वहां पर थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। अपना पैसा, अपना कीमती सामान भी संभाल कर रखिएगा, नहीं तो वो खोएगा और आपका तनाव बढ़ेगा। इस पूरे सप्ताह में हनुमान जी की उपासना करें, आपका कल्याण होगा। मकर राशि, सप्ताह बहुत अच्छा है, चिंताएं कम होंगी, तनाव समाप्त होगा और जीवन में कुछ नया करने की कोशिश करेंगे जो आगे चल करके आपके लिए लाभकारी रहेगा। इस समय संपत्ति का फायदा हो सकता है, प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीदने बेचने से लाभ भी हो सकता है। करियर में नई जिम्मेदारियां तो मिलेंगी लेकिन आप पावर में आ जाएंगे, आपकी ताकत बढ़ेगी। धन का मामला आपके लिए कुल मिला जुला के अच्छा है लेकिन सप्ताह के अंत में परिवार में कोई अशांति ना हो, कोई विवाद ना हो इसका ध्यान बनाए रखिएगा। पूरे सप्ताह अगर आप निर्धन व्यक्ति को निरंतर केले का दान करते रहें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
कुंभ राशि, सप्ताह की शुरुआत में स्लाइट सा थोड़ा सा तनाव दिखता है, बाकी पूरा सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है। करियर में जो मनचाहा परिवर्तन करना चाह रहे थे वो मनचाहा परिवर्तन इस समय हो सकता है। बेवजह की चिंताएं और तनाव सप्ताह के मध्य के बाद समाप्त होंगे। कोई बहुत पुराना रुका हुआ महत्वपूर्ण काम भी इस समय बन सकता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके शत्रु और विरोधी इस समय शांत हो जाएंगे, आपके सामने नहीं आएंगे। देखिए, अपने करियर की और अपने परिवार की जिम्मेदारियां अगर आप इस समय ठीक से निभाएं तो ज्यादा मुश्किल आपको नहीं होगी। पूरे सप्ताह अगर शनि मंत्र का जप करें तो सप्ताह आपके लिए बहुत बेहतर होगा। मीन राशि, देखिए आपके जीवन में रिश्तों को लेके, विवाह को लेके तनाव चल रहा है। बुद्धिमानी कहती है कि अभी चीजों में शांति रखें। करियर में जो बदलाव हुआ है या जो नए नए परिवर्तन हुए हैं उसकी वजह से भी आप परेशान हैं, तो अभी कुछ दिनों तक शांति रखें। आने वाले समय में रिश्तों का मामला और करियर का मामला बेहतर होगा। देखिए, धन का मामला भी बेहतर बना हुआ है, परिवार का सपोर्ट भी आपको मिल रहा है, तो बेवजह चिंताएं मत करिए। अगर किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का मौका मिलता है जरूर चले जाइए। अपने बड़ों से माता पिता की सलाह लेकर के काम करिए, बहुत अच्छा रहेगा। और मैं फिर बता दूं, इतनी मुश्किलें नहीं हैं जितनी आप चिंता कर रहे हैं। थोड़ा शांति से बैठ के विचार करेंगे तो मुश्किलों को खुद हल कर लेंगे। पूरे सप्ताह हनुमान चालीसा का जितना आप पाठ करें उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। तो आने वाला सप्ताह आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।